मोदी भाजपा ने बनाया ऐसा मास्टर प्लान, सियासत में आ जाएगा तूफान। एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 राज्य जीतने का मास्टर प्लान। पूरे भारत में भगवा लहराने का है प्लान। मास्टर प्लान से मोदी विरोधी हो गए हलकान। जी दिल थाम के बैठिए, अगले 2 सालों में मोदी और अमित शाह की जोड़ी भाजपा की पूरी टीम के साथ मिलकर वो करने वाले हैं जो आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, जिसका इंतजार हर भाजपा समर्थक कर रहा है। एक नहीं दो नहीं 18 राज्यों में जीत का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। ऐसा मास्टर प्लान जिसने हर मोदी विरोधी को कर दिया है हलकान, मचा दिया है सियासी तूफान। ये मास्टर प्लान हैदराबाद में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनाया गया। अगर ये मास्टर प्लान काम कर जाता है तो 11 राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी, वहीं उसे 7 नए राज्यों की सत्ता भी मिल जाएगी जहां अभी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल सत्ता में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव हो पाएगा? भाजपा का मास्टर प्लान क्या है, ये कैसे काम करेगा, किन किन राज्यों पर है भाजपा की नजर, आइए जानते हैं। 2022 के आखिर तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है, ऐसे में चुनाव के लिए पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पीएम मोदी तक लगातार दोनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इन दोनों राज्यों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। 2023 में इन राज्यों में होना है चुनाव। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। फिर 2024 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में होने हैं चुनाव। इनमें से हरियाणा महाराष्ट्र को छोड़कर भाजपा की कहीं भी सरकार नहीं है। 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ भाजपा की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। भाजपा लगातार 3री बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कोशिश में है, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब आपको बताते हैं क्या है भाजपा के 5 मास्टर प्लान। पहला मास्टर प्लान, तिरंगा आंदोलन। भाजपा ने देश भर में तिरंगा आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। इसके जरिए भाजपा देश के राष्ट्रवादी लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी, खासतौर पर उन युवाओं को जो पहली बार वोट डालेंगे। इनमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मास्टर प्लान नंबर 2, हर बूथ 200 कार्यकर्ता। मेरा बूथ सबसे मजबूत के बाद अब भाजपा ने हर बूथ 200 कार्यकर्ता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे 200 कार्यकर्ता चुने जाएंगे जो सक्रिय रहेंगे। जिस बूथ पर भाजपा कमजोर है वहां ज्यादा फोकस किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए 50,000 बूथों को चिन्हित किया है। बूथ के ये 200 सक्रिय कार्यकर्ता केंद्र और अगर राज्य में भाजपा की सरकार है तो राज्य की नीतियों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। तीसरा मास्टर प्लान, ग्रामीण इलाकों पर नजर। भाजपा जानती है कि उसकी पकड़ शहरी इलाकों में अच्छी है, ऐसे में अब पार्टी ने ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी के बड़े नेता गांव-गांव जाकर प्रवास करेंगे, 1 से 2 दिन तक गांव में रुकेंगे और आम लोगों से रिश्ते मजबूत करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार इसके जरिए भी किया जाएगा। चौथा मास्टर प्लान, जातिगत समीकरण मजबूत करने पर फोकस। भाजपा ने रामनाथ कोविंद के रूप में 2017 में देश को दलित राष्ट्रपति दिया था। इस बार पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा और अलग अलग विधान परिषद के चुनावों में भी भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवार दलित और पिछड़े वर्ग से ही बनाए गए। पार्टी ने इस नीति को आगे भी मजबूती के साथ बढ़ाने का फैसला किया है। 5वां मास्टर प्लान, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को साधेगी भाजपा। देश भर में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, हर घर नल योजना, किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय समेत कई योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। भाजपा इन लाभार्थियों को वोट में बदलने की कोशिश करेगी। इसके लिए इनसे बूथ स्तर पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता संवाद स्थापित करेंगे। इसके अलावा पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर भी आगे भी लोगों से बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। मतलब इन मुद्दों के जरिए पार्टी विपक्षी दलों पर निशाना साधेगी और अगले 2 सालों में 18 राज्यों पर कब्जा करने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में अगर ये मास्टर प्लान जमीन पर उतर जाता है तो 2024 के अंत तक आपको पूरे भारत में भगवा लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये भाजपा के लिए इतना भी आसान नहीं होगा।